हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल अकाउंट फॉर जीएसएम। तो जीएसएम की फुल फॉर्म वगैरह देखेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे इसके बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़लेटर 24/2/2023 का था और इसी में ये एक अपडेट था कि स्पेशल अकाउंट फॉर जीएसएम। तो आज जीएसएम के बारे में जितने भी चीज़ें हैं वो सभी समझेंगे। तो मैं सबसे पहले तो अपडेट दिखा देता हूँ कहाँ है। तो वो देखिए, ये रहा स्पेशल अकाउंट फॉर जीएसएम। तो सबसे पहले जीएसएम की फुल फॉर्म हो जाए, तो जीएसएम इसका मतलब होता है ग्रुप स्टडी और मॉड्यूल। तो देखिए, ग्रुप स्टडी मॉड्यूल का मतलब होता है ये पावर पैक से रिलेटेड है। यानी कि जब एक पावर पैक जो कि कई लाख रुपए का परचेज हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने मिलकर इसको एक साथ बल्क में पेमेंट पे किया था, यानी ग्रुप में पेमेंट किया था और इस पावर पैक को ख़रीदा था। तो अब पावर पैक का बड़ा अमाउंट था, बड़े ज़्यादा टोकन मिले, उनसे ज़्यादा माइनिंग हुई, कॉइन बने। तो अब कॉइन तो मिल गए सभी को, क्योंकि इन्होंने अपनी जो एक आईडी थी उस पर कॉइन ट्रांसफ़र करा लिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आई कि जब हम पावर पैक परचेज करते हैं, तो पावर पैक सभी एजुकेशन मॉड्यूल हैं। तो यहाँ पर ये एजुकेशन मॉड्यूल है, यानी कि यहाँ पर वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं जिनको देखकर आप एजुकेशन लेते हैं। तो अब जिन्होंने ये जो अलग अलग लोग थे जिन्होंने इस पावर पैक को परचेज़ किया था, तो उन्होंने कॉइन तो ट्रांसफ़र करा लिए लीगली, अपना प्रूफ देकर, कॉन्ट्रैक्ट बता कर कि हमने मिलकर ख़रीदा है। लेकिन एक दिक्कत आई थी कि जिस तरीके से इन लोगों का कॉइन पर अधिकार था, ठीक वैसे ही इनका इस पावर पैक के जो एजुकेशन मॉड्यूल है उस पर इनका भी राइट्स बनता था। तो ये किस तरीके से इसको एक्सेस करेंगे, उसी से रिलेटेड स्पेशल अकाउंट फॉर जीएसएम बनाया गया है। यानी कि जिन्होंने ग्रुप में कोई पावर पैक बाय किया है और उनके लिए इस पावर पैक की एजुकेशन सभी को मिले, इसके लिए कंपनी ने एक स्पेशल अकाउंट की व्यवस्था की है और ग्रुप स्टडी मॉड्यूल के लिए। तो वही आज हम देखेंगे कि किस तरीके से वो बनेगा, कैसे इन्हें अपडेट करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप कोई स्पेशल अकाउंट बना रहे हैं जीएसएम के लिए, तो उनको क्या करना है, जैसे आपके पावर पैक का जो नाम है, सपोज करिए मैं पावर ही लिख देता हूँ, POWER, तो पावर आपके पैक का नाम है। और आप जैसे अलग अलग यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, जैसे किसी का नाम मान लो रमेश है, किसी का महेश है, ये चलो मैं रमेश महेश हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर नाम करता हूँ ABC, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जिससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए एक शख्स है, इनका नाम ए है, इसका बी है, और एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, और एक का नाम ई है। तो अब देखिए, इसको मैं चित्र के साथ भी समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जिससे कि ये एक हमें स्क्रीन मिले और वहाँ पर हम ये चीज़ें समझें। तो स्क्रीन देख रहा हूँ मैं इस न्यूज़लेटर में कहाँ पर है, यहाँ पर ये रही स्क्रीन, इसी स्क्रीन पर हम समझेंगे। एक तरफ हम ये समझ लेंगे और दूसरी तरफ हम इससे रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये है एक पावर पैक, और इस पावर पैक को मान लीजिए कि 5 लोगों ने मिलकर ज्वाइन किया है। पावर पैक का नाम है POWER, और पहला जो शख्स है ये A1 है, दूसरा शख्स है A1, मैं यहाँ से हटाता हूँ, देखिए इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, एक जो शख्स है इसका नाम है A, दूसरे का है B, तीसरे का है C, और चौथे का है D, और पांचवे का नाम है E। तो अब इन्होंने ये अकाउंट बनाए हैं, तो आप ऐसे समझिए कि ये तो है एक पावर पैक, ठीक है, इसका नाम है पावर। अब इसमें 10 लोगों ने मिलकर इसको पार्टिसिपेट किया है, जिनके नाम ABC ये हैं, और ये 10 लोग आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जुड़े हुए हैं, 5 लोग ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, और 1 5 हो गए। अब ये 5 लोग हैं, इन्होंने इक्वली इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए, ये एक जो है पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये पाँचवा नंबर है। अब इस पावर पैक में यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, एजुकेशन वीडियो मिलते हैं जिनको आप देखकर सीखते हैं। तो अब ये जो पावर पैक है, किसी किसी जैसे A1, ABC, D हैं,
इन्होंने अपने अपने इसमें जितने भी कॉइन थे सभी ने ट्रांसफ़र कर लिए, इसको भी कॉइन मिल गए, इसको भी कॉइन मिल गए। और वो कॉइन किस तरीके से मिले, कि इनका अपना कोई अकाउंट था उस पर ट्रांसफ़र करा लिए, या फिर कुछ दूसरा प्रोसेस के थ्रू इन्होंने कर लिए। लेकिन अभी इस पावर पैक में कुछ एजुकेशन वीडियो जो मिलती हैं उनको भी, उन पर भी इन सभी का इक्वल राइट्स है, ये उन सभी वीडियोस को बराबर बराबर देख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर स्पेशल अकाउंट फॉर GSM, GSM का मतलब होता है ग्रुप ग्रुप स्टडी मॉड्यूल। तो ग्रुप स्टडी मॉड्यूल के तहत जितने भी ये यूज़र हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी को इस पावर पैक के लिए एक स्पेशल अकाउंट दिया गया है। तो वो स्पेशल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये पहला बंदा है इसके लिए स्पेशल अकाउंट बनेगा पावर, और फिर आएगा ए, और फिर आएगा 1। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लो कि पावर पैक का कुछ भी नाम तो रहेगा ही, जैसे कि ABCD कुछ नाम देते हैं, तो हमने सपोज करो पावर नाम दे दिया, और ये है जैसे ए फॉर अमित है मान लो, तो पावर अमित, और ये पहला है तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। तो अगर इसका नाम अमित है और ये फर्स्ट है तो यहाँ पर पावर अमित और यहाँ पर फर्स्ट। तो इस तरीके से एक स्पेशल अकाउंट मिलेगा इन सभी को। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर जैसे दूसरा पावर, और दूसरा मान लो कि यहाँ पर सुमित है तो पावर सुमित, और यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से यहाँ पर पांचों, जितने भी पांच लोग हैं, पांचों को एक स्पेशल अकाउंट मिलेगा इस नाम से। तो यहाँ पर आएगा पावर पैक का नाम, उसके बाद आएगा उस शख्स का नाम, और यहाँ पर फिर आएगा उसका नंबर, ये पहला नंबर है या दूसरा है या तीसरा है। तो अगर पांच यूजर हैं तो पांच आएगा, छह हैं तो छह आएगा, और उससे ज़्यादा हैं तो उससे ज़्यादा आएंगे, कम है तो उससे कम रहेगा। तो इस तरीके से ये स्पेशल अकाउंट बनेगा। अब मैं इसको आगे भी दिखा देता हूँ जहाँ पर ये डिस्कशन हुआ है स्पेशल अकाउंट फॉर GSM करके। तो देखिए आ गए हम वन बीटा पर KYC, और इसके नीचे हमें मिलेगा स्पेशल अकाउंट फॉर GSM। मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए वन अकेडमी के नीचे यहाँ पर मिलेगा स्पेशल अकाउंट फॉर GSM, और ये सभी एक शेयर होल्डर्स के लिए है। यहाँ पर देखिए वी वुड लाइक टू काइंडली इन्फॉर्म यू दैट ऑल शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पर है ऑल शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि जब एक बड़ा पावर पैक 10 लोगों ने खरीदा था तो ये 10 क्या हो गए थे, शेयर होल्डर्स, यानी इसके इसकी जो इक्विटी है, इसका जो हिस्सेदारी है उसमें 10 का साझा था। तो शेयर होल्डर्स विच पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप स्टडी मॉड्यूल। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप स्टडी मॉड्यूल, यानी कि इन्होंने मिलकर एक ग्रुप स्टडी मॉड्यूल खरीदा था। विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव एक्सेस टू वन अकेडमी फॉर्म फ्रॉम देयर ओन अकाउंट। तो वन अकेडमी पर जो अकाउंट बनता है, जैसे 10 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप स्टडी मॉड्यूल खरीदा, तो उन 10 लोगों को एक पावर पैक वाला अकाउंट मिल गया। अब उस अकाउंट में वो 10 लोग अलग अलग स्टडी करेंगे, तो उन्हें वन अकेडमी की तरफ से उनका अपना अकाउंट दिया जाएगा, देयर ओन अकाउंट। इन ऑर्डर टू डू दिस यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स बिलो। तो बिलो स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे, वो क्या है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल के थ्रू, जो जो कि यहाँ पर दिया गया है, मैंने आपको पहले समझा ही दिया लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट इन योर प्रोफाइल विद यूजर नेम, ओरिजिनल यूजर नेम ऑफ द GSM ग्रुप स्टडी मॉड्यूल का जो ओरिजिनल यूजर नेम था वो। उसके बाद यहाँ पर देखिए शेयर होल्डर्स का नाम आएगा, इसके बाद योर नंबर इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आपका नंबर क्या था, जैसे हमने अभी बताया था कि पावर पहला नाम आएगा, उसके बाद प्लस शेयर होल्डर्स का नाम जैसे अमित है, अमित आ गया। अब उसके बाद नंबर्स इसका अगर फर्स्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, या इस फर्स्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं अमित शेयर वन। तो ये जैसे पहला नंबर है तो इसको यहाँ पर इस तरीके से अमित पावर अमित वन, दूसरा आ जाएगा पावर सुमित टू, इस तरीके से यहाँ पर पावर जो जैसे रमेश है तो पावर रमेश थ्री, पावर महेश फोर, इस तरीके से हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है। जिस इन्होंने एग्जांपल दिया GSM अकाउंट नेम इज मारिया 11, योर रुकी अकाउंट नेम इज मारिया शेयर होल्डर 1,
तो ये देखिए मारिया 11, तो मारिया 11 यहाँ पर आ गया शेयर होल्डर और 1 आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से रहेगा, वन ऑफ द ग्रुप स्टडी मॉड्यूल नीड्स टू ओपन ए टिकट टू कंप्लायंस टीम बाय ईमेल। तो कंप्लायंस एट द रेट बनीको सिस्टम डॉट यू पर आपको एक ईमेल करना पड़ेगा इसके लिए कि हमने ये ग्रुप स्टडी मॉड्यूल खरीदा था, अब हमारे सेपरेट अकाउंट हैं उन सभी पर इस ग्रुप स्टडी का एक्सेस दे दिया जाए। और सब्जेक्ट आप पर यहाँ ये लिखना है ग्रुप स्टडी मॉड्यूल और GSM अकाउंट निक नेम, इस तरीके से आप करेंगे। इन द ईमेल प्लीज अटैच योर कॉन्टैक्ट एंड KYC डॉक्यूमेंट मैचिंग इन वन ऑफ योर प्रोफाइल एंड लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स अकाउंट नेम। तो जो भी इस अकाउंट शेयर इस GSM अकाउंट का ओनर है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी ईमेल कम्युनिकेशन डिटेल और KYC डॉक्यूमेंट की लिस्ट देनी पड़ेगी कि ये लोग जो हैं इसमें शेयर होल्डर्स हैं, इन सभी को इस ग्रुप स्टडी मॉड्यूल का एक्सेस दे दिया जाए। तो इस तरीके से आपका GSM अकाउंट बनेगा। तो यही थी इस अकाउंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर भी है, अपॉन कंफर्मेशन ऑफ द लिस्ट आर शेयर होल्डर्स प्रोवाइडेड विल बी ग्रांटेड शेयर होल्डर्स एक्सेस टू द वन अकेडमी एजुकेशन मॉड्यूल। और जब आपका टिकट क्रिएट हो जाएगा तो वो उधर से कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद सभी को स्पेशली अलग अलग ग्रुप स्टडी मॉड्यूल का एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से GSM अकाउंट दिए जाएंगे जो बड़े ग्रुप स्टडी मॉड्यूल के शेयर होल्डर्स हैं उनको, और अलग अलग उसका एक्सेस दिया जाएगा। तो यही था इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव कि आपको GSM की पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि ये क्या है और किस तरीके से यूज़ होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।